नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हमारी कोशिश यह रहती है कि अगर आप भी हैं घूमने फिरने के शौकीन, तो आपको हर उस छोटी बड़ी जगह से वाकिफ करवाया जाए जहां आप घूमने जाना चाहते हो। दोस्तों, गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि गर्मियों के मौसम में आप कोई ऐसी जगहों पर जाना चाहोगे जहाँ पर ठंड का एहसास होगा। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर आप गर्मियों की छुट्टियों का बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे बने हुए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमसे जुड़े हुए हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। गर्मियों की छुट्टियों में हम सभी कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन गर्मियों में मौसम के चलते हमारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि कहाँ जाए जहाँ गर्मी हमें ना सताए और मौसम सुहावना हो। तो आइए, आज हम आपको इसी जगहों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिलोंग की, जो कि मेघालय में स्थित है। अगर आप गर्मियों में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग एक बेहतर जगह है जो खूबसूरत वादियों से भरपूर है। खासी पहाड़ियों के बीच स्थित शिलोंग काफी खूबसूरत और शांत है। यहाँ की खूबसूरत झीलों का नजारा काफी मनभावक होता है। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, पेड़ और सुहावने मौसम के कारण यह भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यही कारण है कि इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। अपने खूबसूरत नज़ारों और सुहावने मौसम के चलते शिलोंग न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ भारत ही नहीं, बल्कि विदेश से भी कई टूरिस्ट घूमने आते हैं, और यहाँ कई बेहतरीन जगह है जो उनके आकर्षण का केंद्र है। अब आपको बताते हैं मुन्नार के बारे में। मुन्नार भारत के सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, विशालकाय चाय के बगान, मसालों की खेत, हाउस बोटिंग इत्यादि मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कई तरीके के पिकनिक स्पॉट, खूबसूरत झीलें, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट आदि भी देखने को मिलती है। यहाँ के शांत वातावरण और आकर्षक व्यू के कारण पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। अब आपको बताते हैं तवांग के बारे में। अरुणाचल में स्थित तवांग गर्मियों के मौसम में घूमने लायक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के खूबसूरत वाटरफॉल, गर्म पानी के सोते, सेला पास, जसवंतगढ़, माधुरी लेक, बुमला पास सहित कई ऐसे पॉइंट है जहाँ गर्मियों के मौसम में घूमना काफी आरामदायक होता है। अब जानिए रानीखेत के बारे में। उत्तराखंड में स्थित रानीखेत भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है, और इसी कारण यहाँ अक्सर फिल्मों की शूटिंग भी होती रही है। गर्मियों के मौसम में रानीखेत घूमना एक अलग अनुभव होता है। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, उनके लिए रानीखेत बहुत ही मजेदार टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की कुमाऊं पहाड़ियों में पैराग्लाइडिंग जैसे स्पोर्ट्स भी होते हैं, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत वादियाँ लोगों का दिल जीत लेती है। अब आपको बताते हैं नागिनी कुल्लू के बारे में। हिमालय में कुल्लू की तीर्थन नदी के तट पर बसे नागिनी का नजारा काफी मनभावक है। नागिनी गर्मियों में घूमने लायक सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ के हरे भरे खूबसूरत पहाड़ और प्राकृतिक नज़ारे काफी मनभावक है। यहाँ के पहाड़ों पर कई तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। नगिनी से 40 किलोमीटर की दूरी पर करीब 10,600 फीट की ऊंचाई पर सिल्लू वॉयलियर डील भी है, जहां से दिखने वाले प्राकृतिक नजारे कभी ना भूलने वाला दृश्य है। इसी के ऊपर गुसैनी के उपवन में राजू का कॉटेज है, जहां सिर्फ खटोले से ही आप जा सकते हैं। यह अनुभव भी काफी मजेदार है। अब आपको बताते हैं घूम दार्जिलिंग के बारे में। घूम दार्जिलिंग से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ की खूबसूरत वादी और प्राकृतिक नजारे काफी मनभावक है। यहाँ आप टॉय ट्रेन के जरिए ही घूम सकते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचर झील भी स्थित है, जहाँ कई अलग अलग पक्षियों को देखना काफी अनुभव से भरा होता है। अब बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल को झीलों की नगरी भी कहते हैं, और इसी कारण यहाँ भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में इसे गिना जाता है। भारत के उत्तराखंड में स्थित नैनीताल एक काफी खूबसूरत शहर है, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और नदियाँ दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ का मौसम ऐसा है कि गर्मियों के घूमने के लिहाज से काफी ठंडा है, और इसी कारण गर्मियों में यहाँ घूमना काफी सुकून भरा होता है। अब आपको बताते हैं कुर्ग के बारे में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी घाटों में स्थित कुर्ग का नजारा काफी मनोरम होता है। यहाँ चाय, कॉफी और मसालों के बड़े बड़े बगान हैं और पेड़ देखने लायक है। यहाँ की खूबसूरत नज़ारे और खुशनुमा मौसम काफी पॉपुलर है। यहाँ कॉफी और मसालों की भारी मात्रा में खेती होती है।
कुर्ग की खूबसूरत नजारों में मंडाल पत्ती तिब्बती मठ, कावेरी नदी, इरोपू फॉल, इगुथापा मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, मरकारा डाउन गोल्फ क्लब, ब्रह्मागिरी पहाड़ी और नालकनद महल इत्यादि प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अब जानिए ऊटी के बारे में। तमिलनाडु में स्थित ऊटी भी गर्मियों में घूमने लायक स्थान है। यहाँ काफी ज्यादा बर्फ गिरती है, इसी कारण इसे स्नोटी ऊटी भी कहा जाता है। यहाँ के सुंदर कॉटेज, फेंस्ड फूलों वाले बाग, फूस की छत वाला चर्च, बोटेनिकल गार्डन आदि घूमने के मुख्य आकर्षण के केंद्र है। अब आखिर में आपको लिए चलते हैं कन्नूर की सैर पर। नीलगिरी पहाड़ियों और समुद्र से 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तमिलनाडु का कन्नूर गर्मियों में घूमने लायक एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए तो कन्नूर काफी आकर्षक जगह है। यहाँ कुरीनजी फूल पाए जाते हैं और इसी कारण यहाँ का नाम कन्नूर पड़ा। कन्नूर ऊटी के नजदीक है, जिसके चारों तरफ घुमावदार पहाड़ियाँ, चाय कॉफी के बगान और खूबसूरत नजारे हैं। कन्नूर से ऊटी तक एक टॉय ट्रेन भी चलती है, जिसमें सफर करना पर्यटकों के लिए काफी मजेदार होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों की छुट्टी में भारत में किसी जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इन जगहों में से कोई डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है, तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।